हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम कटिन सीखने वाले हैं, प्रिंसेस में क्रॉस कटिन और बेल्ट, प्रिंसेस के वेस्ट में बेल्ट लगाएंगे, ठीक है? आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक करके हम बिल्कुल आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है? तो ये हमारा मेन पीस है, ये वाला बॉर्डर हम शॉर्ट आस्तीन है तो ये बॉर्डर हम अटैच करेंगे, आस्तीन में यूज करेंगे, और ये बॉर्डर को साइड में लगाएंगे ताकि उनको, ठीक है? चलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये हमारा मेन पीस है, ये हमारा मेजरमेंट है। अभी तक हम आपको बॉडी मेजरमेंट में ये वाला कटिंग बता दिया, लेकिन आज हम इसी में बताऊंगा और किस तरह से कटिंग करना है बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा, और आप वीडियो में बने रहिए। चलिए फर्स्ट ये निशान को हम सीधा लगा लेता हूं, उसके बाद फिर ये हमारा मेजरमेंट स्टार्टिंग, आपको फर्स्ट लेंथ से मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा कितना है, 14 इंची। तो यहां से हम कुछ इस तरह से एक निशान 14 इंची पे लगा लेता हूं। उसके बाद यहां से जो हम एक निशान लगाएंगे, ये हम 6 इंची पे लगाएंगे, ठीक है? और फिर मैं यहां से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ और ये निशान को भी सीधा कर लेता हूँ। ये तीन निशान आपको रेडी कर लेने के बाद, उसके बाद हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। ये हुक्स वाला साइड से कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हमारा पौने मतलब 35 इंची है, 35 का 1/4 भाग, 9 इंची आ रहा है। 9 इंच पे ये निशान लगा देता हूँ, और शोल्डर के यहाँ पे हम 5 इंची लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक हम 2 इंच पे निशान लगाए, क्योंकि ये हमारा शोल्डर कम है तो यहाँ पे भी हमारे को कम करना पड़ता, ठीक है? तो यहाँ पे हम 5 इंची पे लगाए, तो यहाँ पे हम 5.5 इंची पे लगा रहा हूं। और वेस्ट कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं। वेस्ट है 29 इंची, तो इसको हम यहाँ पे 29 का 1/4 भाग आ रहा है, 7.5 इंची, 7.5 इंची से, हाँ 7.5 इंची, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ये डॉट्स के लिए लगा दिए निशान। अब हम ये पूरा निशान को सीधा कर लेता हूँ। पहले यहां से कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है, और यहां से भी कुछ इस तरह से, उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट्स के लिए भी कुछ इस तरह से निशान सीधा कर लेते हैं। फिर हम यहां से सेब ये आर्मुल का कुछ इस तरह से रखेंगे। देखिए ये सेब लगाने के लिए आपको कंपलसरी एग्जेक्ट आपको लगाना है। एक बार हम आर्मुल का भी मेजरमेंट कर लेता हूँ, आर्मुल कितना है उसके हिसाब से वो सेब को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहां से कुछ इसी तरह से आपको भी मेजरमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है 7/8 इंची, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कितना है। बिल्कुल जितना उसमें है उतना यहाँ पे भी आ रहा है, करेक्ट है, ठीक है? तो अब एक बार हम साइड भी मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मेजरमेंट है तो कंपलसरी पूरा मेजरमेंट ही करके कटिंग कीजिए। उसमें होगा क्या कि आपका ऑल्टरेशन आने का कोई भी टेंशन नहीं रहता। अभी ये देखिए, इनको थोड़ा यहाँ पे है 3 इंची, लेकिन इसको थोड़ा डीप करने के लिए हमारे को बोले, तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा यहाँ पे कम कर देता हूँ। ये 2.5 इंची पे निशान लगा दे रहा हूँ, क्योंकि 3.5 इंची है, ये 3 इंची है, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाए। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल एग्जेक्ट, यहाँ कितना है 3 इंची, तो यहाँ पे हम रखेंगे मिनिमम 3.5 इंची। इसको भी बड़ा छोटा करने का बिल्कुल चांस रहता, और कैसा रहता आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हम निशान लगा चुका हूं, अब हम ये मेजरमेंट करेंगे। अगर आपके पास, अगर कस्टमर बोले कि हमारे को ब्रॉड होना है, तब तो आपको यहां से यहाँ पे 1/2 इंची अगर आप डिफरेंस करें थोड़ा और बढ़ के कर दीजिए, तो आपको मुश्किल नहीं रहता, ब्रॉड हो जाता कंपलसरी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम मेजरमेंट कर लेते हैं, यहाँ आ रहा है 5 इंची से थोड़ा बढ़ के, तो ये हमारा थोड़ा ऑलरेडी कम है, तो इसको और थोड़ा सा हम, चलो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अब यहां से कुछ इस तरह से सेव लगाएंगे। देखो ये हमारा बिल्कुल ब्रॉड में हुआ। अगर आपको कस्टमर पहले बोल दिए कि ब्रॉड में चाहिए, तो यहाँ पे आप 3 इंची लगाए, तो यहाँ पे आप 4 इंची लगा दीजिए, 1 इंची डिफरेंस कर दीजिए, ब्रॉड ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है? चलो ये मार्किंग क्लियर हो जाने के बाद अब इसको हम कट इन करेंगे, और एक पे थोड़ा सा आप ऐसा क्रॉस में कीजिए, इससे होता क्या शोल्डर बिल्कुल टाइट पकड़ के बैठता। अब यहां से हम कट इन कर लेता हूं, देखिए ये कटिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है? क्योंकि प्रिंसेस में क्रॉस कटिंग किस तरह से कटिंग करना है और कैसा आपको एग्जैक्ट सेटिंग होता है, मैं आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूं, आप फुल वीडियो में बने रहिए। इसको भी हम यहां से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं, ये कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, यहां से कुछ इस तरह से हम एग्जेक्ट रख लिया हूं,
ठीक है। देखिए बेल्ट फ्रंट में किस तरह से लगाएंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट यहां पे बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रख लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल सीधा रख लेना है। उसके बाद फिर ऐसा रखने के बाद फर्स्ट मार्किंग जो हम लगाएंगे यहां से लगाएंगे कुछ इस तरह से क्रॉस में। ये क्रॉस तो मैं किया लेकिन कटिंग होता है यहां से, आपको मैं अब भी बता रहा हूं। यहां से एक मार्किंग लगा दिए, ये हमारा नेक का हो गया। अब हम यहां से डीप जो है मिनिमम 7.5 इंची इनका डीप है तो उतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर मेजरमेंट है तो आप करेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हो, बिल्कुल 7.5 इंची है। देखिए यहां पे भी 7.5 इंची आ रहा है। अब यहां से भी एक मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेता हूं और यहां से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लिए। अब हम शेप कुछ इस तरह से लगाएंगे क्योंकि फ्रंट का शेप थोड़ा अलग है, बैक का शेप थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ए टू जेड इसी तरह से लगा लेना है। अब हम शेप प्रिंसेस का जो रखेंगे, यहां पे हम 5 इंची पे एक निशान लगा रहा हूं और चेस्ट पॉइंट मिनिमम आपको 10 इंची पे ये साइज वाला ब्लाउज को रखना है, ठीक है। कितना 10 इंची, तो यहां से ये हमारा बिल्कुल 10 इंची आ रहा है, 10 इंची पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा 4 इंची पे कंपलसरी रखना है। चलिए यहां पे भी एक निशान लगा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। देखो ये मार्किंग से हम यहाँ पे 4 इंची पे निशान लगा दिए और यहाँ पे हम 3.5 इंची पे लगा दिए, लेकिन ये हमारा अभी कटिंग होता जो यहां से होता, मैं आपको अब भी बता रहा हूं कटिंग करके। ये 3 मार्किंग लगाने के बाद आपको प्रिंसेस जो शेप लगाना है आप वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट तो यहां से हम कटिंग कर लेता हूं, देखिए ये हमारा कटिंग हो गया, 1, 2, 1, ये 3। आप अगर ये 3 मार्किंग कुछ इस तरह से आप लगा लेते हैं तो समझ लो प्रिंसेस का आधा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब यहां से कुछ इस तरह से देखिए, ऐसा शेप लगाने के लिए आप 1-2 बार ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपको कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये हम कट इन कर देता हूं, यहां पे मार्किंग पे करे लेकिन ये यहां से रहता नहीं, यहां से रहता। अभी आपको ये भी बता देता हूं, यहां पे हम 3.25 इंची पे किए एक मार्किंग और 1 मार्किंग हम यहाँ पे 2 इंची पे किए। ये जो है हमारा बेल्ट के लिए हम निकालेंगे, लेकिन ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हम साइड वाला प्रिंसेस क्रॉस में किस तरह से कट इन करेंगे आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और आप फुल वीडियो देखिए, आपको कंपलसरी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं हमारे को प्रिंसेस में ही होना है लेकिन क्रॉस में होना है साइड वाला, तो आप कुछ इस तरह से रखिए। ये हम अच्छी तरह से बैठा के 1 मार्किंग यहाँ पे लगा लीजिए और 1 मार्किंग यहाँ पे हम 1 इंची पे 1 मार्किंग लगा चुका हूं, ठीक है। और यहाँ पे जो लगाना है मार्किंग आपको ये, क्योंकि ये कट देखिए, ये इसको रख लेता हूं एग्जैक्ट बिल्कुल, ठीक है, तभी यहाँ पे समझ में आ जाएंगे आपको भी करेक्ट। अब यहाँ पे जो हम रखेंगे मिनिमम 3 इंची पे रख रहा हूं क्योंकि ये साइज भी अलग है और चेस्ट का भी साइज अलग है, डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम ये क्रॉस में कट इन किया हूं और क्रॉस में इसको सेटिंग किया हूं, ठीक है। तो ये साइज के हिसाब से अपर चेस्ट है 35 इंची लेकिन मिडल चेस्ट है इनका 38 इंची है और इनो क्रॉस में हमेशा पहनते, इसीलिए इनो क्रॉस में ही बोले। देखिए बिल्कुल 38 इंची फ्रंट वाला है। चलो यहां से हम 3 इंची पे 1 मार्किंग लगा दिया और 1 इंची पे 1 मार्किंग लगाए और ये सेंटर लगाए। अब इसको सीधा किस तरह से करेंगे, यहां से कुछ ऐसा। ये शेप लगाने के लिए आपको 1-2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी आप ये शेप बिल्कुल इजी से लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से रख दिया हूं। अब हम साइट वाला ये भी मेजरमेंट एक बार कर लेता हूं, कितना आ रहा है 3.5 इंची। तो यहां पे भी 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगा दो, ठीक है। तो यहां पे हमारा गैप कितना हो गया 2.5 इंची और ये हमारा क्रॉस में है तो कंपलसरी ये सेटिंग होता। अब ये मार्किंग चेस्ट के लिए लगाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से रख लेना है। बैग में हम गिराए 6 इंची तो यहां पे हम 5.25 गिराएंगे, थोड़ा कम गिराएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सीधा कर लेता हूं। अब यहां पे 35 इंची है तो 35 का 1/4 भाग आ रहा है 9.5 इंची। 9.5 इंची पे मार्किंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से एक शेप लगा लेता हूं,
देखिए ये जो हाला अब जब झाड़ेंगे हम उस टाइम में नॉर्मली झाड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये ज्यादा ही है। अब वेस्ट के लिए हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे कितना 3 इंची रेडी आ रहा है, इधर मार्जिन छोड़ने के बाद 3 इंची रेडी है, 3 इंची कुछ इस तरह से रख के 29 इंची है वेस्ट, तो पौने 7.5 इंची से थोड़ा सा कम निशान लगा देंगे, 7.25 इंची पे अपन निशान लगा दिए तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब ये निशान सीधा करने के लिए आपको जरूरत पड़ता बैक का, ठीक है, बैक को कुछ इस तरह से उठा के यहाँ पे रख के उसके बाद निशान लगाएंगे। चलो ये निशान भी हम कुछ इस तरह से लगा दिया हूं। अब यहाँ पे हम जो ये मार्किंग लगाए 2 इंची पे, तो यहाँ हम लगाएंगे यहाँ पे भी 2 इंची लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि बेल्ट जो है रेडी हमारा 2 इंची का ही सेटिंग होता है, इसीलिए 2 इंची पे ही लगाना चाहिए। अब इसको हम कटिंग कर दे रहा हूं। अब इसको भी यहां से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूं। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप बेल्टेड ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो चैनल के नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके जरूर देख लेना, फर्स्ट ये वीडियो आप देख के उसके बाद फिर वो भी वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें भी एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। चलो अब जो है ये वाला पार्ट को हम यहां से कुछ इस तरह से मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेता हूं। ये हमारा कटिंग होके साइड में निकल गया। अब इसको हम यहां से एक बार मेजरमेंट करता हूं, 38 इंची है तो 9.5 इंची आ रहा है या नहीं, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट जितना मेजरमेंट में है सेम उतना ही आया, ठीक है, 38 इंची रेडी है तो 0.5 इंची ये हमारा बढ़ के आ रहा है, वो भी सिर्फ फ्रंट का, बैक का नहीं, सिर्फ फ्रंट में बढ़ के आना चाहिए। अब हम हाला को कुछ इस तरह से यहाँ पे मिला लिए और एक दूसरे के ऊपर रख दिया जितना हमारे को कटिंग में चाहिए, उसके बाद फिर यहां से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। चलिए ये हमारा एग्जैक्ट देखिए आर्मोल किस तरह से आ गया, अब एक बार आर्मोल भी हम मेजरमेंट कर लेता हूं, बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कटिंग बिल्कुल अच्छा लगा, ठीक है। अब चलो हम कटिंग करते हैं आस्तीन का, आस्तीन यहां से कुछ इस तरह से बैठा लेना है, शॉर्ट आस्तीन का कटिंग बिल्कुल अलग रहता, ठीक है, शॉर्ट आस्तीन का कटिंग अलग क्या चीज रहता वो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूं। 3.5 इंची लेंथ है तो 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगाएंगे और 0.5 इंची छोड़ के और एक मार्किंग लगाएंगे ताकि मैं हाला यहां से गिरा सकता हूं, उसके बाद ये तीनों निशान को हम सीधा कर लिए। अब यहां से आना चाहिए 7.5 इंची आर्मोल के लिए, तो यहाँ पे हम कितना 7.5 इंची पे रखे और यहाँ पे ऐसा करके देख रहा हूं तो करेक्ट ये हमारा 16.5 इंची आर्मोल है तो 16.5 इंची रेडी आ रहा है। अब ये हम सेब को कुछ इस तरह से लगाएंगे और ये सेब आप भी कुछ इसी तरह से लगाइए, जब ये शॉर्ट वाला आस्तीन बिल्कुल करेक्ट से आपको सेटिंग हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसा सेब लगाए हम, आपको भी कुछ इसी तरह से लगाना है। अब आस्तीन नीचे के लिए लूजिंग जो है वो देख लेते हैं, लूजिंग है आस्तीन का, तो यहाँ पे हम 13 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं, लेकिन ये हम सीधा अगर रखेंगे तो ये हमारा सिर्फ 0.5 इंची रह जाता, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे लूजिंग आने का ज्यादा चांस रहता, तो इसको हम क्या करेंगे यहां से भी सेब कुछ इस तरह से लगाएंगे। आप कंपलसरी ऐसा सेब यहाँ पे जरूर लगाइए, ठीक है, इसमें आपको सेटिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो ये मार्किंग हमारा जितना लूजिंग है उतना हम रख दिया हूं, 13 इंची है 13 इंची रख दिए। अब यहां से हम कुछ इस तरह से सेब लगा दिया, अब इसको भी हम कटिंग कर लेता हूं। अब आर्मोल झाड़ने के लिए हाला जो झाड़ेंगे हम कुछ यहां से इस तरह से मिनिमम 1.25 इंची आपको कुछ इस तरह से हाला को झाड़ लेना है। देखिए ये हमारा मार्किंग कर दिया हूं, अब यहां से कुछ इस तरह से हम कटिंग कर दिए, ये हमारा बिल्कुल आस्तीन का कटिंग कंप्लीट हुआ। और इसके बाद फिर 3 इंची पे एक मार्किंग हम लगा लेता हूं ना, जो हमारा ये मार्जिंग है ये हमारा मार्जिंग के लिए रख दिया हूं। उसके बाद यहां से हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं, यहां से 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है और यहां से और एक मार्किंग 3.5 इंची पे लगा लेना है। उसके बाद ये सेप कुछ इस तरह से आप लगा दीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग और एग्जैक्ट आता है ये जो मैं कटिंग बता रहा हूं, ये बिल्कुल फिनिशिंग और एग्जैक्ट।
ये हमारा कंप्लीट हो गया मार्किंग, उसके बाद यहाँ से हम कट इन कर दे रहा हूँ। और नीचे भी कुछ इस तरह से शेप लगाइए ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लाउज की कटिंग और ये बेल्ट वेस्ट के पास एग्जैक्ट बैठ जाता। चलो ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग और कोई भी डिजाइन की ब्लाउज कटिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छी सी कटिंग लेके डिजाइनिंग वाला। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।